हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। GTFI के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भैया आज अपन फिर से आ चुके हैं दोस्तों एक और बार अपने मेगा रैम के ऊपर, और आज इन सारी इंडियन कार्स का अपन टेस्ट करने वाले दोस्तों। देख सकते हो आज फिर से अपन मेगा रैम के ऊपर आ चुके हैं और काफी सारी न्यू इंडियन कार्स का अपन इस मेगा रैम पे टेस्ट करने वाले। वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो वीडियो पे लाइक जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, और बेल आइकन क्लिक कर देना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आज अपने साथ ये बहुत सारी इंडियन कार्स देख सकते हो आप लोग दोस्तों। यहाँ पे ब्रेजा है, नियोस है, सियाज है, इनोवा क्रिस्टा का टॉप मॉडल टूरिंग स्पोर्ट भी है। तो यार चलो सब सारी कार्स मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे किया सोनेट की। किया सोनेट भाई ब्रांड न्यू कार है जो कुछ ही दिनों में अभी रिलीज होने वाली है। तो भाई इसका कलर मैंने करवाया था, आपको याद होगा गोल्ड कलर मैंने करवाया था, लेकिन भाई आप लोगों के कमेंट्स इतने ज्यादा आए ना भाई, इतने ज्यादा आए कि इसका रेड कलर करवाओ, तो भाई मैंने इसका रेड कलर करवा ही दिया भाई। उसके बाद यहाँ पे अपने सुजुकी की स्विफ्ट, मारुति सुजुकी स्विफ्ट। अब ये भाई पिछले बार भी मेगा रैम के टेस्ट के वीडियो में थी, लेकिन भाई अभी नहीं क्या, मैंने इसके टायर्स वगैरह थोड़े से अपग्रेड करवा के लाया हूँ, थोड़े इसके टायर्स, थोड़ा इंजन इसका अपग्रेड हुआ हो, तो भाई फिर से इसकी परफॉर्मेंस चेक करनी चाहिए मुझे ऐसा लगा, तो भाई इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लेके आ गया। और ठीक इसी के बाजू में दोस्तों अपनी मारुति की विटारा ब्रेजा जो अपने ट्रेवर भाई साहब की है, देखते हैं आज ये रैंप पे किस तरीके से परफॉर्म करती है। और उसी के बाजू में एक और ट्रेवर भाई साहब की गाड़ी है जो कि है सुजुकी की सियाज। अब अगर मेरे वीडियो फॉलो कर रहे हो दोस्तों तो आपको पता होगा कि जो ट्रेवर भाई साहब है ना, सुजुकी कार से उनको लगा हो चुका है, तो देखते हैं कैसे परफॉर्म करती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फ्रैंकलिन भैया की हिंदई की i10 नियोस है, जो ये स्पोर्ट्स वेरिएंट आप देख सकते हो दोस्तों, वो भी डुअल टोन कलर में, और भाई इसको फ्रैंकलिन भैया ने एक बार रिपेंट भी करवा लिया है। इसके बाजू में अपनी अल्टीमेट SUV हुंडई क्रेटा भी आई है दोस्तों, फिर से एक बार रैंप में, और इस बार रैंप में ये इसलिए आई है क्योंकि मैंने इसमें भी अपडेट्स करवाया हूँ, इसके अलॉय व्हील वगैरह चेंज हुए हैं, बिल्कुल ओरिजिनल टॉप मॉडल के अलॉय व्हील मैंने इसमें लगा दिया हूँ। तो भाई अब सारी कार्स का टेस्ट होगा, और भाई फाइनली फाइनली अपनी इनोवा क्रिस्टा का टॉप मॉडल टूरिंग स्पोर्ट भी यहाँ पे है दोस्तों, जो अपने फ्रैंकलिन भैया का है ये भी। तो यार सारी आज जितनी भी कार्स है ना दोस्तों, इन सारी कार्स का मैं टेस्ट करने वाला हूँ, तो भाई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है। तो चलो यार टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट अपन करेंगे दोस्तों सबसे पहले ये मारुति की सियाज से। ओ भाई यहाँ पे तो जगह नहीं है जाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से चल जाता हूँ। तो यार वैसे आप लोग दोस्तों कमेंट सेक्शन में बहुत बोल रहे थे कि इन कार्स में डैमेज होना चाहिए, तो मैंने सारी कार्स से दोस्तों आर्मर हटा दिया हूँ। हाँ भाई आर्मर हटा दिया हूँ, अब सारी की सारी कार्स डैमेज होंगी, तो इससे मालूम पड़ जाएगा कि भाई सबसे बढ़िया बिल्ड क्वालिटी किसकी है। मतलब भाई गेम में रियल लाइफ की बात अलग रहती, गेम की बात अलग रहती, तो भाई सियाज बिल्कुल भी मत लेना इसे। तो चलो यार सियाज का टेस्ट अब शुरू हो चुका है दोस्तों, और भाई साहब सियाज ने काफ़ी ज़्यादा स्पीड पकड़ ली है। ओ भाई 200 के बाद क्या बात है, ओ भाई 250 पर जंप, ओ भाई ये तो काफी ज्यादा ऊंची जा रही है भाई, थोड़ा आराम से, नहीं 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 ओ भाई भाई ओ शिट लगा रही, बहुत जोर से लगा भाई साहब, मैंने बहुत सारे चिंगारे देखा भाई, बहुत सारे चिंगारे निकले भाई। मैं सामने का देखने के लिए थोड़ा इसका एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि सामने का इसका जो है ना पूरा जमीन पर टच हुआ। एक बार देखते भाई क्या हुआ, क्या हुआ भाई, डैमेज देखना था ना दोस्तों, तो देखो भाई डैमेज इसके, ओ भाई कितना ज़्यादा डैमेज हो गया, देख सकते हो सामने का इस साइड का तो पूरा ही ख़त्म, मतलब देख रहे हो भाई इसका तो लाइट सामने का पूरी तरीके से गया। वैसे पीछे तो दोस्तों कुछ भी डैमेज नहीं आया, इस साइड भी कुछ भी डैमेज नहीं आया, लेकिन भाई इस साइड का पूरा पचक गया, क्या बात है भाई सियाज। चलो कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी बढ़िया है, लेकिन अपने को कुछ हुआ नहीं, अच्छे से स्माइकल दादा सेफली बाहर निकल चुके हैं दोस्तों, लेकिन इस साइड में भाई काफ़ी ज़्यादा डैमेज आया है भाई, ड्राइवर भाई साहब तो देख के पागल हो जाएंगे इसको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको जल्दी रिपेयर कर देगा। तो चलो सेकंड गाड़ी की तरफ चलते हैं। अब अपने को मेरे ख्याल से टेस्ट करने चाहिए ये वाली हुंडई की i10 नियोस। तो चलो, ओ भाई इसके बूमर हैं, LED देखो कितने ज़्यादा चमक रहे हैं, दिन के टाइम इतनी रोशनी, और इसका इंटीरियर भी भाई हुंडई का मुझे बहुत बड़ा प्यारा लगा। इसका पहली ऐसी हुंडई कार है जिसका मुझे इंटीरियर इतना ज़्यादा पसंद आया भाई, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा इंटीरियर यार इसका। तो चलो यार शुरुआत करते हैं भाई, देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म करती है, और भाई ओ भाई आराम से आराम से। तो चलो देखते हैं कितनी स्पीड पर जंप मारती है ये, अच्छी खासी स्पीड गेन कर रही है दोस्तों, बाप रे, ओ भाई 260 लगभग 260 के आसपास से इसने जंप मारी, और बाप रे बिल्कुल देखो क्या उड़ रही है भाई, तो लिटरली फ्लाइंग, ओ शिट यार इसके साथ भी वही वही चीज़ हुई जो सियाज के साथ हुई, और भाई जहाँ तक मुझे अभी देख के लग रहा है ना गया वो सामने का गया, इसका इसका भी गया, रुक जाओ यहाँ पे लगा देता हूँ, वो अपनी सियाज इधर खड़ी है, एक मिनट इसको इसको भी इधर ही लगा देते। अरे रे 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 मेरा बाप ये क्या हो गया, दिखा देता हूँ रुको मैं आपको, ओ भाई इसका तो सामने का पूरा व्हील अपनी जगह पे है, लेकिन ये देख सकते हो दोस्तों, ओ रे बाप रे इसका भी पूरा पचक गया दोस्तों, इस साइड में देख सकते हो, हाँ LED की शेप अच्छी है, लेकिन भाई इस साइड का पूरा चिपक गया,
पूरा क्रश हो गया यार, क्रश बहुत बुरी तरीके से। लेकिन ठीक है भाई, इसका भी तो मुझे बढ़िया लगा, कोई इतनी दिक्कत नहीं सियास के मामले में, तो सियास का तो पूरा ही खत्म हो गया। तो चलो यार नेक्स्ट कार्य के टेस्ट करते हैं अभी। अब किसको भाई, किसको 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 कौन होगा वो अगला बकरा। चलो इस साइड में चलते, ये है अपने सुजुकी स्विफ्ट, इसका चलते क्रैश टेस्ट भाई, इसको थोड़ा अपग्रेड करवाया ना अपन ने। चलो टेस्ट करवा लेते हैं इसकी, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है दोस्तों, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके लिए तो भाई कमेंट ज़रूर करना है दोस्तों आपको, कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। अपनी बहुत फेमस रहती है दोस्तों ये बिल्ड क्वालिटी के लिए, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना अपनी मारुति की प्यारी प्यारी स्विफ्ट। तो चलो भाई अब इसको भी शुरू करते हैं। ओ भाई अब देखते हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा ऊंचा लग रहा है मेरे को, पता नहीं स्विफ्ट चलाने में थोड़ी सी घबराहट हो रही। ओ भाई चलो बहुत सही, एक नंबर जा रही है दोस्तों। लगभग कितनी ज़्यादा चल रही है भाई, 250 के आसपास क्रॉस करेंगे। ओ भाई 259, ओहो सीधा सीधा बिल्कुल भाई साहब, इसकी स्टेबिलिटी तो देखो हवा में। ओ भाई ये क्या था भाई, एकदम अनएक्सपेक्टेड भाई साहब, एकदम अनएक्सपेक्टेड, मैंने लिटरली सोचा नहीं था भाई। इसकी स्टेबिलिटी देखे दोस्तों अपने हवा में, ओ भाई डैमेज कुछ भी नहीं भाई साहब इसकी। तुम लोगों ने देखे हो, पूरी अनएक्सपेक्टेड रही इसकी भाई जर्नी। बस थोड़ा सा दोस्तों देख सकते हो, प्लेट में हल्का सा डैमेज आया है, प्लेट थोड़ी सी पचक गई है, लेकिन बाकी यार गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ। इसकी स्टेबिलिटी देखने के लायक थी यार। यार इसका रीज़न क्या था एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई। मैंने मतलब सियाज और आइटन न्यूज़ में वैसी स्टेबिलिटी नहीं देखा मैंने जिसमें इसमें थी यार। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करी यार गाड़ी ने, क्या बात है। लक्ष्य था शायद इसके टायर्स की वजह से, पूरी हवा में एकदम सीधी थी दोस्तों, इसको हवा का बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। चलो यार नेक्स्ट गाड़ी की तरफ चलते हैं अब। तो अब भाई कौन का बनेगा, कौन बकरा बनेगा। चलो 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 चलो, किसको किसको, ब्रेजा ब्रेजा, नहीं नहीं सोनेट सोनेट। चलो भाई सोनेट को ट्राई करते हैं। वैसे यार इसकी भी बिल्ड क्वालिटी भी पता चली जाएंगी, वैसे तो इसके ऑफिशियल क्रैश टेस्ट के रिजल्ट्स आने के हैं, लेकिन जिस तरीके से दोस्तों सेल्टस के रिजल्ट आए हैं, 5 स्टार उसने रेटिंग करी है, तो भाई मेरे ख्याल से इसने भी करनी चाहिए, दिख तो मजबूती रही है। तो चलो अभी इसको भी करते हैं फोन शुरू। और भाई देख रहे हो इसमें से क्या बैकफायर निकल रहा है भाई साहब, जबरदस्त। ओके मैं थोड़ा डर रहा था, लेकिन अब चलो ये हुई ना बात बिल्कुल एकदम स्मूथ। और भाई साहब इसने तो यहाँ से 200 पकड़ ली, क्या बात है, क्या ये 300 पे जंप मारेंगी। और भाई 270 की रफ्तार पे इसने जंप मारी भाई। ओ भाई ये भी हवा में देख रहे हो भाई, पूरी स्टेबल है। ओ भाई क्या बात है, ओ शिट 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 शिट। ओ नहीं 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 सॉरी गाइस, अगर आपने देखा होगा तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करना, आपको पता चलेगा गाड़ी ने लैंडिंग बहुत अच्छी करी, बहुत ज़्यादा पैरी करी, लेकिन यार थोड़े से बस मतलब वो थोड़ा पोल सामने आ गया जिसकी वजह से गाड़ी क्रैश हो गई। अब देखते हैं डैमेज कितना आया गाड़ी के ऊपर, यार थोड़े से पोल की वजह से यार डैमेज आया है। ओ भाई नहीं 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 हल्का सा डैमेज आया है, हल्का सा नहीं कह सकते उसको, एक मिनट थोड़ा सामने से देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ भाई कह सकते हल्का ही सा, जहाँ से मतलब पोल टच हुआ था। अदरवाइज दोस्तों अगर आपने वीडियो रिवाइंड करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा गाड़ी ने लैंडिंग बहुत परफेक्ट की थी, 0 डैमेज के, लेकिन भाई मेरी गलती की वजह से थोड़ा ऐसा होगा। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट गाड़ी है अपनी मारुति की विटारा ब्रेजा। अब भाई ब्रेजा के मेरे को लगता है कि अच्छे रिजल्ट आएंगे, अब दिल कह रहा है अंदर से कि बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो चलो यार अभी इसकी भी टेस्टिंग कर लेते हैं भाई, बड़ी प्यारी गाड़ी है अपनी ब्रेजा, अब इसके रिजल्ट अच्छे आने को ना यार, बहुत उम्मीद है। तो चलो Ray 1D, और इसको हम करते हैं अभी स्टार्ट। ओ भाई नहीं 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 ए क्या हो गया रे, रुक जा रे रुक जा रे रुक जा। ओ भाई नहीं, रुक जा प्लीज 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 रुक जा। अरे मस्तिया चल रहे यार, मजाक। ओ भाई ये ऐसे हवा में उछल रही जैसे कि रबर की बनी हो भाई। रुक जा ए, रुक जा रुक जा रुक जा रुक 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 शाबाश शाबाश रुक गई। तो गाइस फाइनली अपनी गाड़ी रुक चुकी है, और भाई इसकी तो रैम जंप शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। ओ भाई बहुत ज़्यादा डैमेज आ गया गाड़ी को, देखो पूरा अंदर से पूरी चपक गई है गाड़ी, लेकिन अपने माइकल ज़्यादा सेफ है, अच्छे से कुछ नहीं हुआ। एक काम करते हैं इसकी जंप आप ऐसे करते हैं भाई, क्योंकि रिपेयर करने में तो टाइम लग जाएगा बहुत, तो एक काम करते हैं इसको ऊपर लेके जाता मैं अभी, और फिर से जंप करता भाई अब जैसे हो भी हो जो भी हो। लेकिन भाई मैं शौक हूँ कि गाड़ी पूरी तरीके से चपकी नहीं अभी, बस इसकी जो छत है ना दोस्तों पूरी चपक गई है,
और अच्छा खासा डैमेज आया है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि गाड़ी में डैमेज नहीं आया, लेकिन डैमेज तो आया है भाई गाड़ी में, ज़बरदस्त डैमेज आया। मैंने सोचा भी नहीं था भाई इतना डैमेज आ जाएगा। और भाई आ गए ऊपर यार, गलती मेरी से, मुझे एकदम मैं स्पीड में कर लिया था यार गाड़ी को। अगली बार से ऐसा नहीं होगा, कभी भी रैम टेस्ट करेंगे तो यार बेचारी ब्रेजा। ओके तो चलो इस बार थोड़ा आराम से, स्लोली स्लोली। ओके चलो यार, ओके ब्रेजा बहुत सही, 250 230। ओहो क्या बात है, देखो इसकी भी स्टेबिलिटी देख रहे हो, बिल्कुल सीधी जा रही है, बिल्कुल सीधी, इतने डैमेज होने के बाद भी बिल्कुल सीधी। ओ भाई लग गए रे इसके तो, पूरे लग गए ब्रेजा के, सबसे ज़्यादा दोस्तों अभी देख सकते हो ब्रेजा की लग गए, वो भी गलती मेरी थी। ओ भाई सॉरी, गलती मेरी थी यार, मेरी गलती की वजह से ब्रेजा के पूरे तरीके से लग चुके हैं, लेकिन कोई नहीं। ओ भाई अच्छा खासा गाड़ियों का कचरा कर रहे हैं अपन। वैसे दोस्तों अगर यहाँ तक वीडियो को देख ही लिया तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और पसंद आ रही है तो यार कमेंट करके बताना कि कैसी चाहिए आपको और गाड़ियाँ। तो देखो भाई देख सकते हो भाई, इस तरीके से ब्रेजा की हालत हो चुकी है, पूरी तरीके से डैमेज, पूरी छत गई इसकी, पूरा पीछे का बैक साइड थोड़ा सा आधा हो चुका है भाई, ऐसा लग रहा है काफ़ी बुरे एक्सीडेंट का इसमें पाला पड़ा है यार। बेचारी गाड़ी, नियाज से तो नियाज ठीक थे, बाकी सारे गाड़ियाँ तो बिल्कुल भी ठीक ही दिख रहे, लेकिन यार ब्रेजा देखो बहुत ही बेकार हो गए। तो चलो यार कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट गाड़ी अपनी अब कौन है, अब इन दोनों में से कौन बलि का बकरा बनेंगी। चलो क्रेटा को बनाते, क्रेटा को अपन ने पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस बार इसमें थोड़ा अपन ने नया अलॉय व्हील यूज़ करे है। आपको दोस्तों याद है क्या पिछले वाले रैम वीडियो में क्रेटा के साथ क्या हुआ था? अगर याद है तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्रेटा ने क्या करी थी, अल्टीमेट एसयूवी ने करी क्या थी, ठीक है ना। चलो इस बार देखते हैं क्या करती है, क्या गुल खिलाती है। तो एक बार चलो भाई, फिर से नहीं, इस बार भी वही गुल नहीं खुलाना। अरे क्रेटा अल्टीमेट एसयूवी आ गई, आ गई इस बार लाइन पे, आ गई है अल्टीमेट एसयूवी। तो चलो ओ भाई चलेंगी ये आराम से आराम से आराम से। ओ भाई स्मूथ भाई, इसका तो पीछे से लाइट अभी टूट गया, और बिंगो लगा रहे सामने, लगा बहुत जोर से चिंगारी निकली है, मैं आंखों तक आई वो चिंगारी, चिंगारी दिखी मुझे अच्छे से, खासी चिंगारी दिखी। ओ भाई मुझे देखा नहीं जाता रे, देखा नहीं जाता, सामने की पूरी ग्रिल और सामने का पूरा बम्पर ही चपक चुका है दोस्तों, दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, अच्छे से देखो एक बार। ओ भाई बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन हो गया भाई। सामने का तो पूरा मतलब भाई ये क्या बवासीर हो गया यार, एक्सपेक्टेड नहीं था यार, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। जान दो कोई दिक्कत नहीं, पीछे से सब ठीक है। ओ भाई सॉरी गलती से लात लग गई मेरी, जाने दो भाई, अब जो गाड़िया का हो रहा है होने दो। अब भाई एक मिनट, मुझे ड्राइवर भाई साहब का कॉल आ रहा है। क्या बोल रहे ड्राइवर भाई साहब? ड्राइवर भाई साहब ने बोले भाई कि उन्होंने टाटा सफारी को भी अपने लिए भेज दिए है। तो चलो भाई ये देखो, ड्राइवर भाई साहब ने अपने टाटा सफारी को भी अब यहाँ पे दे दिए अपने रैंप पे टेस्ट करने के लिए। तो अपने पास यहाँ पे टाटा सफारी भी है, इनोवा क्रिस्टा है, किसको चुनू किसको चुनू किसको चुनू किसको चुनू, इनोवा को नहीं, इनोवा का लास्ट में सबसे पहले। चलो सबसे पहले अपन यूज़ करते हैं भाई ये अपनी टाटा की सफारी, द रियल एसयूवी, इसी की टैगलाइन थी शायद से ये, द रियल एसयूवी। भाई आजकल के टैगलाइंस लेकिन यार कार्स के यार ज़बरदस्त आ रहे हैं, मतलब इसकी थी रियल एसयूवी, फिर क्रेटा की है द अल्टीमेट एसयूवी, हैरियर की है कुछ ऐसी कुछ है, हैरियर का मुझे याद नहीं आ रहा, फिर उसका किया सोनेट का वाइल्ड बाय डिज़ाइन, फिर किया सेल्टोस का बैडास कुछ तो भी है। तो ऐसे कौन कौन से यार आपको याद है एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इन कार्स के कौन कौन से टैगलाइन है, जितने ज़्यादा टैगलाइन याद है ना एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, काफ़ी मस्त है। और भाई देखो टाटा सफारी की स्टेबिलिटी तो ज़बरदस्त निकली यार, मैंने हल्के से निकला और भाई गाड़ी का वही हाल हुआ, एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई कि टाटा सफारी ऐसा करेंगे। जान तो गलती मेरी भी हो सकती है, मैं फिर से इसको टेस्ट करवा लेता हूँ एक बार, कुछ ज़्यादा डैमेज तो दिख रहा नहीं है गाड़ी पे यार, अच्छे खासे पलटे मारी है गाड़ी ने, लेकिन डैमेज कुछ भी नहीं है। तो चलो फिर से एक बार टाटा सफारी को टेस्ट करते हैं। हाँ भाई डैमेज तो आया है लेकिन उतना नहीं आया, तो चलो अभी एक और बार टेस्ट करते हैं, और अब आराम से। हाँ चलो भाई टाटा सफारी अपनी चल पड़ी, 170, 200, और भाई 250 की स्पीड में गाड़ी ने जंप मारी, और भाई साहब सूट ये वन शी। ओ भाई रोहित शेट्टी की फिल्मों की याद आ गई भाई, जब भी मैं टाटा सफारी को या फिर स्कॉर्पियो को उड़ते हुए देखता हूँ ना, तो रोहित शेट्टी की फिल्में बिल्कुल मेरे सामने आंखों के सामने आ जाती है भाई, बहुत ज़्यादा बस।
तो यहाँ पे तो जगह नहीं बची यार गाड़ी लगाने की। एक काम करते, सामने लगा देते, यहाँ पे लगा के करते भी क्या, वो देखो अपनी स्विफ्ट खड़ी है वहाँ पे लगा देते। ओ भाई आराम से, देखो देखो कितनी मस्त पार्किंग की अपन ने। तो भाई देखते टाटा सफारी में क्या डैमेज आया है। और भाई आई एम प्रिटी शॉक यार इसको देख के कि इसमें ज़्यादा उतना कोई डैमेज नहीं आया है, बस इसके जो लोगो है वो उड़ चुका है, गायब हो गया लोगो। सामने का थोड़ा सा बम्पर टेरा हुआ है, बाकी गाड़ी में उतना कुछ डैमेज नहीं आया है दोस्तों। देखो उतना कुछ भी डैमेज नहीं आया, गाड़ी तीन चार पलटा भी खाई थी लेकिन उतना कुछ डैमेज आया नहीं गाड़ी में। क्या बात है भाई, बहुत सी गाड़ी है टाटा सफारी तो यार। तो चलो अब बारी बच गई है सिर्फ और सिर्फ अपनी इनोवा क्रिस्टा टॉप मॉडल टूरिंग स्पोर्ट की, तो चलो इसको भी लेते हैं भाई। अब देखते हैं भाई इसकी कैसी रहती है परफॉर्मेंस, टोयोटा की बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे मालूम पड़ जाएंगी कि कैसी परफॉर्म करती है ये। पूरी फुल पावर में निकलने का है अपने को यहाँ से। वैसे तो यार ये रैम टेस्ट के लिए बनी नहीं है भाई, ये तो MPV है, लेकिन फिर भी MPV MUV क्या बोलते हैं आप देखो। तो चलो अभी और आराम से भाई, बहुत स्मूथ बहुत स्मूथ, अभी तक तो बहुत बढ़िया चल रही है दोस्तों। 200 की स्पीड तक बहुत स्टेबल है और भाई आराम से। ओ भाई क्या स्टेबिलिटी है, और बस इसको बोलते दोस्तों टॉप लेवल की स्मूथ लैंडिंग, टॉप लेवल की। अब भी देखते हैं इसमें डैमेज कितना पड़ा है, किस हिसाब से दोस्तों इसमें डैमेज पड़ा है वो भी देख लेते। तो चलो इसको भी यहाँ पे खराब कर देते, मतलब खड़ा कर देते, सॉरी खराब नहीं। और भाई मैं प्रिटी शॉक हूँ इसको देख के, थोड़ा सा शॉक इसलिए हूँ कि दोस्तों यहाँ पे रैंप पे इतनी भयंकर तरीके से जंप मारने के बावजूद इसका सिर्फ सामने का बम्पर टेढ़ा हुआ है। देखो सिर्फ बम्पर टेढ़ा हुआ है, वो भी हल्का सा, थोड़ा सा हल्के फुल्के खरोचे आई है, बाकी तो गाड़ी में देखो भाई टिप टॉप है, कुछ भी नहीं हुआ, ना स्क्रैचेस है ना कुछ है ना कुछ है। भाई मान गया है बहुत सही, बाकी गाड़ी की कंपैरिजन में देख सकते हो भाई बहुत ज़्यादा डैमेज आया है, और कुछ डैमेज गाड़ियों का मेरे भी गलती की वजह से आया है। तो आप लोग बताओ सबसे ज़्यादा बढ़िया बिल्ड क्वालिटी आपको किस गाड़ी की लगी भाई, डैमेज से आपको पता चल गया होगा कि किसकी बिल्ड क्वालिटी सबसे बढ़िया है बेकार है। भाई फन के लिए थोड़ा सा बताओ कमेंट सेक्शन में कि कौन सी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी सबसे बढ़िया है दोस्तों, एक बार कमेंट करके आप बता सकते हो। और आपको ऐसी रैम के वीडियो पसंद आते हैं कि नहीं आते हैं, या एक बार कमेंट करके ये भी बता देना, ठीक है। और भाई ये देखो सोनेट नई नवेली गाड़ी लाई थी यार, इसका भी वही हाल कर दिया, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, बैनी को फ़ोन लगाते हैं, वो इन सारी गाड़ियों को बल्कि 2 से 3 दिन में रिपेयर कर देगा। तो चलो यार बैनी को फ़ोन करके बोल दिए हैं, वो गाड़ियों को यहाँ से लेके चले जाएंगा, उनको रिपेयर भी कर देगा और डिलीवर भी कर देगा भाई, अपने माइकल दादा जिनकी गाड़ियाँ है, मतलब अपने ट्रेवर भाई साहब सबकी गाड़ियाँ डिलीवर वगैरह कर देगा। ओ भाई सॉरी बंदे। तो चलो यार अभी अपने को एक काम करना है दोस्तों, मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में कहा था कि अपनी इंडिया से एक बाइक इम्पोर्ट होने वाली है, और भाई कमेंट करके बताना था आपको कि कौन सी बाइक इंपोर्ट होने जा रही है। तो अभी अपन अमेंडा भाभी की जो स्विफ्ट है ना, स्विफ्ट में उतना कोई डैमेज हुआ नहीं है, तो अपन स्विफ्ट को लेके जाने वाले हैं दोस्तों अपने शोरूम में, जहाँ पे अपन सारे गाड़ियाँ इंपोर्ट करवाते हैं अपने प्रीमियम डीलक्स मोटर स्पोर्ट्स में, वहाँ पर जाने वाले हैं अपन, वहीं पर देखते हैं। और वहाँ पर जाने के देखते के बाद देखते हैं कि वो कौन सी गाड़ी है, कौन सी बाइक है जो आई है भाई अपने इंडिया से। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए भाई उसको। देखो यार शोरूम बहुत नज़दीक था तो अपन पहुँच चुके हैं, और भाई यहाँ पे गाड़ी पार्क कर देते हैं। वैसे स्विफ्ट चलने में बढ़िया है, अभी इसको रिपेयर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी करवा देंगे, ठीक है। तो चलो यार, तो चलो भाई देख के आते हैं कौन सी गाड़ी आई है अपने लिए इंडिया से। ओ भाई ओ माय गॉड,